An Academy. Let's crack it. Something very very important. Prelims point of view से कितने test आपने दिए थे, मतलब how many tests you had taken just for prelims? सर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के टाइम पे जैसे मैंने कहा था ट्रॉमा ऑफ नॉट बीइंग एबल टू क्लियर प्रीलिम्स इन माय फर्स्ट गो एंड वो एक डर सा बैठ गया था तो और मैंने 3 महीने पहले से पढ़ाई भी शुरू कर दी थी प्री के लिए तो मैंने हर टोटल में मुझे लगता है 50-60 मॉक टेस्ट लिख लिए थे. ऑल्सो उस टाइम पे एक्सटेंड हो गया था एग्जाम तो बहुत सारे टेस्ट नए नए आते भी जा रहे थे मार्केट में मतलब वो सभी लोग अपने एक्स्ट्रा टेस्ट दे रहे थे तो काफी सारा कलेक्ट भी हो गया था. लेकिन अब अगर मुझे अगर किसी को सजेस्ट करना हो तो मैं कहूंगी आप 30-35 टेस्ट दीजिए, फुल लेंथ दीजिए और उसको एनालाइज बहुत अच्छे से करिए. प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट, वर्किंग ऑन फीडबैक इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट. सो 30-35 इज एन ऑप्टिमम नंबर आई अज्यूम. ओके 30-35 टेस्ट दिए जागृति ने. देखिए सर आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग. जी 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 कि आप इन टेस्ट को इकट्ठे मत दीजिए. अगर आप 2 महीने के टाइम में दे रहे हैं तो 10 अभी दिए, 15 लास्ट में दिए ताकि आप उससे सीख सकें क्योंकि हमें सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी, हमें मिस्टेक्स को करेक्ट भी करना है. जागृति जी जैसे इस बार का जून में पेपर हो रहा है 5th June इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो प्रीलिम्स होगा 22 का, तो मतलब उसके लिए स्टूडेंट्स को कब से मॉक टेस्ट है जो एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स बेसिकली आपको लगता है स्टार्ट कर देने चाहिए? आई थिंक मार्च, अगर मुझे देना होता तो मार्च अप्रैल में मार्च से स्टार्ट कर चुकी होती. आपने मतलब मार्च अप्रैल आपने भी 2-3 महीने पहले ही टेस्ट दी? जी बिल्कुल, मैंने जुलाई अगस्त सितंबर जुलाई से स्टार्ट कर दिया था. ठीक है,